हेलो दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी मिलकर एक साथ रहते हैं और अपने सभी कामों को एक साथ मिलकर ही करते हैं। जैसे हम त्यौहार पर भी एक साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं, परंतु मनुष्य के जीवन में सुख और दुख हमेशा आते रहते हैं और मनुष्य इन सभी परिस्थितियों में अपना सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। दोस्तों, आपने सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में एक बहुत ही रोचक चीज़ के बारे में ज़रूर जाना होगा, जिसे हम रोना कहते हैं। दोस्तों, रोने की इसी प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। दोस्तों, जब मनुष्य रोता है तो उसकी आँखों से आंसू निकलते हैं। ये आंसू कब निकलते हैं तो इसका कारण यह होता है कि मनुष्य का दुख जब एक सीमा से बढ़ जाता है तो आंसू निकलते हैं, या कभी खुशी के मारे भी मनुष्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा यदि आंख में कुछ पड़ जाए तब भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, या आपने कभी देखा होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तब भी हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी आंखों में ये आंसू आते कहाँ से हैं और हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आखिर इन आंसुओं का प्रयोग कैसे करते हैं और ये आंसू क्यों निकलते हैं। दोस्तों, मनुष्य की आंखों के पलकों के ऊपर एक बादाम के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे अश्रु ग्रंथि या टीयर ग्लैंड कहा जाता है। बायोलॉजिकल टर्म में इस टीयर ग्लैंड को लैक्रिमल ग्लैंड भी कहा जाता है। दरअसल हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो इन्हीं टीयर ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथियों से ही निकलते हैं। जब ये आंसू इन ग्रंथियों से निकलते हैं तो हमारी पूरी आंख में ये फैल जाते हैं और उसके बाद यह लैक्रिमल सैक यानी लैक्रिमल ट्यूब के रास्ते से होते हुए हमारी नाक में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब कोई मनुष्य रोता है तो उसकी नाक से भी पानी बहने लगता है। तो यह पानी कहाँ से आता है? तो यह पानी इन्हीं अश्रु ग्रंथियों से निकला हुआ आंसू होता है, जो लैक्रिमल सैक से होता हुआ हमारी नाक में पहुँच जाता है। दरअसल आंसू हमारी इन टीयर ग्लैंड से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है, जो जल और नमक के मिश्रण से बना होता है। यह आंसू मुख्यतः कुछ तैलीय पदार्थ, कुछ लवण, कुछ म्यूकस और एक विशेष जीवाणुनाशक एंजाइम से मिलकर बना होता है। इन्हीं लवणों के कारण इस आंसू का स्वाद खारा होता है। हर बार पलक झपकने के साथ ये द्रव यानी आंसू हमारी पूरी आंख पर एक पोछा लगा देता है, जिससे ये आंसू हमारी आंखों को नम बनाए रखता है। इन आंसुओं के निकलने के भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे ये आंसू हमारी आंखों को नम रखते हैं और हमारी आंखों में चिकनाहट बना के रखते हैं। इसके अलावा ये हमारी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं और आंखों को कीटाणु रहित रखने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।